लास्ट हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके लिए जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जमीन से जो है ग्राउंड से रूट्स उनके ग्राउंड में अंदर तक जाती है। इसका रीजन ये होता है कि उसको पानी की तलाश होती है, जितनी रूट्स डीप होंगी पानी उसको वाटर उसको उतनी आसानी से मिल पाएगा। तो वाटर के लिए रूट्स नीचे की तरफ स्टिमुलेट होती है जबकि प्लांट्स खुद ऊपर की तरफ राइज करता है, उसकी हाइट ऊपर राइज करती है। इसका कारण ये होता है ताकि ये सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सके। तो सनलाइट को कैप्चर करके क्या होगा कि सनलाइट की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो सनलाइट जब आती है तो इसके पत्तों पे पड़ता है और पत्तों के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हमने क्या नाम बताया था, क्लोरोफिल होता है। सो क्लोरोफिल की मदद से ये अपना खाना तैयार करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट वगैरह की हेल्प से। तो हमने देखा कि फिर ये एनवायरमेंट में एमिट करते हैं ऑक्सीजन O2 जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। और फिर ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम और प्लांट्स दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ों को हमें ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मेंटेन रहेगा, जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड आप पौधों को देंगे और उतना ही ज्यादा आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा। इस बात को कंफर्म ये रिएक्शन करेगा जो अब हम करने जा रहे हैं। इस रिएक्शन में आप देखना कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करता है। जरा इसको देखते कितना ऑक्सीजन रिलीज करता है, जरा इस बात को देखना। सो जो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो है कि 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल, अगर बैलेंस करें तो 6 मोल आता है वाटर, 6 O2 6 H2O, ये रिएक्शन करता है। अब किसके प्रेजेंस में, तो हमने बताया कि इसमें जो है आपका सनलाइट आएगा तो सनलाइट चाहिए। ओके, सनलाइट आ गया और सनलाइट के साथ साथ प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाता है। जैसे हमारे पास अपना चूल्हा और सिलेंडर होता है, प्लांट्स के पास समझ लीजिए क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल बर्तन है, लाइट जो है वो चूल्हा है और उसकी मदद से वो तैयार करता है अपना खाना। उसका खाना क्या है, तो प्लांट्स का खाना है C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। आप लोग सीधा लिखना, जो नया नंबर लिख रहा हूँ वो नीचे लिखना है बच्चों, जैसे आप जानते हो कैसे लिखना है, 6 से C के नीचे 6 आएगा, राइट? तो C6H12O6 ये बनता है, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। और साथ में 6 O2 मतलब ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब इसमें हम हर पार्ट को अगर देखें कि कौन सी चीज क्या है, तो CO2 तो आप जान गए कि दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। H2O तो सिंपल है कि ये तो वाटर है अपना, और C6H12O6 इसको जान लें कि ये होता है ग्लूकोज, यानी कि शुगर भी बोलते हैं इसको, ग्लूकोज या फिर शुगर, चीनी, तो ग्लूकोज या शुगर। और साथ में रिलीज हुआ क्या, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है, सो दैट इज ऑक्सीजन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के अंदर यही चीज होता है, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसी प्रोसेस को सहारा लेते हैं। अब इसमें एक चीज गौर करो, लेफ्ट साइड में देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 6 है, राइट? और लेफ्ट साइड में देखो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, तो 6 है। मतलब कि आपसे जो पौधे होते हैं जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बच्चों उतना ही ऑक्सीजन वो रिलीज भी करते हैं। मतलब अगर आपसे 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है तो 6 मोल ऑक्सीजन भी वो देता है। इसीलिए ये बैलेंस बहुत जरूरी है हमारे बीच और प्लांट्स के बीच। तो इसीलिए प्लांट्स को नहीं काटना है, प्लांट्स लगाते रहना है जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती रहे। तो जरा ये रिएक्शन नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक आता है, इतना मेनली हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन था उसके बाद है कि फोटोसिंथेसिस करने में
अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम है। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि अपने पास डिफरेंट ऑर्गन है। अगर आप सांस लेते हैं तो आपकी नाक से स्टार्टिंग होती है, नाक से आप ऑक्सीजन एंटर करता है आपके, फिर ऑइसोफेगस यानी कि विंड पाइप से होता हुआ, फिर ट्रेचिया से होता हुआ, फेरिंग्स लैरिंग्स से होता हुआ आपके लंग्स तक पहुंचता है, और फिर वापस वो फिर ब्लड में हार्ट के साथ पल्मोनरी प्रोसेस होके ऑक्सीजन मिला देता है खून में, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस सेम प्रोसेस से आपके नाक से रिलीज करता है। तो इसमें कितने सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए। तो सिमिलर वे में प्लांट्स में भी बच्चों बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो खाना बनाने में मदद करते हैं, उसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है एक स्टोमेटा का। तो ये हमारे लिए पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक कि स्टोमेटा क्या होता है। सो स्टोमेटा जो है, दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, मतलब पत्तों के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। मैं अभी स्ट्रक्चर तुम्हें शो करूंगा किस तरीके का दिखता है ये, बट फिलहाल आप ये जानिए कि ये क्या है। इसमें टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी मदद से क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो मैं वो नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ कि इसका फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। आखिर स्टोमेटा काम क्या करता है, अभी मैं सब समझाऊंगा डायग्राम से, आप लोग पहले नोट्स बना लीजिए। सो फर्स्ट पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये है स्टोमेटा का काम कि दिस हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करता है। कौन सी गैसेस? तो प्लांट्स में गैस होती है एक तो O2 की, वो रिलीज करता है O2, और एब्जॉर्ब क्या करता है बच्चा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों का एक्सचेंज होता है। सेकेंड प्रोसेस इज कि इट लूजेस या इट लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर वेपर ड्यूरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन एंड हेल्प्स इन अप फ्लो ऑफ वॉटर। एक तरीके से कूलर का काम करता है ये इसके लिए। तो जरा आप ये नोट्स का नोट बना लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कि आखिर क्या चीज है ये। तो आगे मैं तुम लोगों को एक डायग्राम दिखा रहा हूँ स्टोमेटा का कि आखिर स्टोमेटा नजर कैसा आता है, फिर हम इसका फंक्शन समझेंगे कि आखिर क्या काम करता है। देखो ये एक स्टोमेटा का डायग्राम है, दिस इज अ स्टोमेटा हाउ इट्स लुक लाइक। तो इसमें जो पोर्शन है ये एकदम राजमा के बीज की तरह दिख रहा है ना, किडनी बीन्स की तरह। तो इसका शेप है वो कुछ इस तरीके से बैंड स्ट्रक्चर है। तो जिस वक्त ये इस स्ट्रक्चर का होता है इस टाइप पे, इसको बोलते हैं कि ये स्टोमेटा ओपन है। अब ओपन है तो बहुत आसानी से बच्चे गैस का एक्सचेंज कर सकता है। तो कौन सी गैस बाहर रिलीज करेगा ये? तो बाहर रिलीज करेगा वो गैस जो ह्यूमन बींग के लिए जरूरी है। हम लोगों को कौन सी गैस चाहिए? तो ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो O2 गैस को ये रिलीज करता है, और स्टोमेटा कौन सी गैस को एक्सेप्ट करता है? तो एक्सेप्ट करेगा CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने फंक्शन में जो पहला पॉइंट लिखा है कि स्टोमेटा का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, और एक्सचेंज कौन सी गैसेस को करना? तो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना। अब ये ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि स्टोमेटा की हमने डेफिनेशन ही लिखी है कि दे आर टाइनी पोर्स। तो टाइनी पोर्स है, पोर्स मतलब छेद है, छोटे छोटे, तो इस वजह से वहां से गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो पाता है। दूसरी बात यह है कि ये दिन के समय तो इस तरीके का दिखाता है, लेकिन रात का प्रोसेस इसका कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब देखो इस टाइम पे क्या स्टोमेटा ओपन है क्या? नहीं है। इस टाइम पे हम कहेंगे कि स्टोमेटा क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो स्टोमेटा अपने आप को क्लोज कर लेता है, मतलब टाइम के साथ दिन रात और इस टाइप के एक्सचेंज होते होते वो बंद कर लेता है। इसलिए रात के टाइम पे ये जो है ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के पास रात को सोना नहीं चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होती है। क्योंकि देखो प्लांट्स में भी जैसे ह्यूमन बींग में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। प्लांट्स ना दो प्रोसेस एक साथ कर रहा होता है, एक प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन और दूसरा प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या क्या मैंने प्रोसेस बताया? एक हुआ फोटोसिंथेसिस और दूसरा मैंने नाम लिया है बच्चे ट्रांसपीरेशन। हाँ, ट्रांसपीरेशन। अब इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस समझो। ट्रांसपीरेशन का मतलब है
ट्रांसपीरेशन का मतलब ये है कि प्लांट जो है वाटर वेपर को रिलीज करता है, मतलब नीचे से जमीन से पानी खींच के ऊपर की तरफ भेजना शुरू कर देता है ट्रांसपीरेशन में। और इस ट्रांसपीरेशन को एक तरीके से हम रेस्पिरेशन प्रोसेस से वो कर सकती हो, जैसे रेस्पिरेशन में होता है ना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसे प्लांट भी रिलीज करता है। लेकिन साथ ही साथ प्लांट जब दिन का समय होता है तो दिन में फोटोसिंथेसिस भी होती है, ट्रांसपीरेशन भी होती है। ट्रांसपीरेशन लगातार चलता रहता है, ये प्रोसेस लगातार चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है। तो ऑक्सीजन दिन में ज्यादा रिलीज होती है, लेकिन रात को सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा, और वो कौन सा होगा? तो रात को सिर्फ एक प्रोसेस होगा जिसका नाम क्या है? ट्रांसपीरेशन। सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होने वाली है। तो अगर कोई पेड़ के नीचे सोता है तो फिर उसको ऑक्सीजन नहीं, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, विच इज वेरी डेंजरस टू ब्रीद। अगर तुम ब्रीथ करते जाते हो फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बहुत दिक्कत करेगा तुम्हारे लंग्स के लिए। इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर योर लंग्स। सो इट इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट वर्क ड्यूरिंग द डे। फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन दोनों प्रोसेस अकर होते हैं, बट ड्यूरिंग द नाइट फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। ये सारे गैस एक्सचेंज स्टोमेटा से होते हैं। तो आप लोग जरा एक काम करिए, इस स्टोमेटा का डायग्राम बनाइए, दोनों डायग्राम बनना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं इसमें समझा दूं, इसका डायग्राम में प्रोसेस क्या है। सबसे बाहरी वाले प्रोसेस, सबसे बाहरी वाले सरफेस को क्या नाम है? सेल वॉल। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि सेल्स की बाहरी दीवार को सेल वॉल कहते हैं। उसके नीचे, उसके अंदर ये लिक्विड जैसा पार्ट होता है। मैंने इसके लिए तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, तुम खीर समझ लो। खीर में क्या होता है कि जिस तरीके से आप बादाम मिलाते हैं या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं खीर में, तो वो सभी उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद चीजें हैं। जो 9th में आपने देखी थी, 12-15 चीजें थी, उसमें प्रेजेंट था राइबोसोम्स, उसमें प्रेजेंट था एक क्या कहते थे उसको हम लोग, मैं दिमाग से मेरे वो स्किप कर रही है चीजें, वैक्यूल्स होते थे, उसके बाद तुम्हारा याद है ना गरिमा, क्या क्या चीजें थी, जरा नाम बताओ। हाँ, भैया याद है। हाँ बताओ, क्या क्या चीजें होती थी उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट? भैया लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल, न्यूक्लियस। वेरी गुड, न्यूक्लियस होता था। वेरी गुड, न्यूक्लियस इज अ बिग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड देन और क्या चीजें थी? और उसके बाद SER, RER, ये हमने पढ़ा था। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट थी। गॉल्गी अपरेटस, ये सब चीजें थी। तो ये सारी चीजें कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। फिर आता है गार्ड सेल। ये गार्ड सेल जो है, देखो यहाँ पे अंदर उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर गार्ड सेल है। फिर वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? तो ये सेल का, प्लांट सेल का 80-90% हिस्सा वैक्यूल होता है, एक तरीके का खाली जगह मान लो। देखो इस तरीके से ये पूरा हिस्सा देख रहे हो, पूरे सेल का ज्यादातर हिस्सा वैक्यूल में ही बना हुआ है। तो ये वैक्यूल है, खाली जगह, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियस। तो प्लांट का जैसे न्यूक्लियस होता है कहीं ना कहीं, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि इस सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर है, इस सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर है। तो जरा जल्दी से इस डायग्राम को बना लो, ओपन क्लोज दोनों, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है अपना, वापस से स्क्रीन पे आते हैं। अब कुछ चीजें नोट करो, नोट्स बनाना। हमने फंक्शन पढ़ लिया, दोनों का फंक्शन क्या है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरोफिल। क्योंकि हमने स्टोमेटा देख लिया, सभी पार्ट्स को हम लोग रीड कर रहे हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एक और दूसरा चीज है जो है क्लोरोफिल। क्लोरो, स्पेलिंग लिख लेना ठीक से जरा, CLO, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। सो राइट डाउन व्हाट इज क्लोरोफिल। सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल। सो लीव्स की जो, पत्तियों की जो ग्रीन कलर होती है वो किस वजह से होती है? सो वो क्लोरोफिल की वजह से ही होती है। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बार बार, है ना, पाइवटल रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स में क्लोरोफिल का होना।
अच्छा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं बच्चे जो ग्रीन कलर का नहीं होता है, जैसे कुछ साग होते हैं इस तरीके के, तुम्हें वो साग दिखेंगे कि उनका कलर हरा नहीं है, तो क्या उसका ये मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे प्लांट्स जरूर होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो करते हैं। कलर उनका दूसरा इस वजह से है क्योंकि ग्रीन पिगमेंट उनमें कम है, बल्कि दूसरा पिगमेंट कलर ज्यादा है। जैसे मरून कलर का पिगमेंट अगर ज्यादा हो गया तो प्लांट्स का कलर मरून हो जाएगा, बट ग्रीन पिगमेंट कम है इसलिए वो डोमिनेट ना करके तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ग्रीन कलर, बट उसके अंदर वो प्रेजेंट है, इस वजह से वो खाना बना सकता है अपना। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस हर प्लांट में होता है, हर प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अच्छा कुछ पौधे बच्चों ऐसे भी होते हैं जो रात के समय अपना रेस्पिरेशन करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं। जैसे उसमें एक आता है तुम कैक्टस का पौधा, ये सुना है आप लोगों ने? कैक्टस जो होता है ये राजस्थान वगैरह और रेगिस्तान जैसे एरिया में उगता है, क्योंकि उनमें पत्ते नहीं होते, बिकॉज उनको पानी की कमी होती है। तो ऐसे प्लांट क्या करते हैं, अगर दिन के समय ये लोग काम करेंगे ना, तो जो भी प्लांट के अंदर वाटर है ना, वो सारा वाटर क्या होगा, गार्ड सेल से होता हुआ, मतलब कि स्टोमेटा से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो प्लांट बहुत तेज होते हैं, वो प्रोसेस क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लो करने के लिए ये चीज रात के टाइम करते हैं, रात के टाइम करते हैं। जो काम बाकी प्लांट दिन में करते हैं वो प्लांट रात को करते हैं। हम आगे रोल में उसको समझाऊंगा तुम्हें, अभी के लिए यहाँ पे हम रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैं उस टॉपिक पे बाद में आऊंगा दोबारा से, प्लांट पे ऐसे कौन से प्लांट होते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट लिखिए, अभी तक हमारा ऑटोट्रॉप्स खत्म हो चुका है, अब अपना टॉपिक शुरू होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसा खाना जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ऐसे जीव जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो अपने खाने को लेके, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसको बांटा गया है तीन कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में इसको बांटा गया है। मैं तीनों का यहां नाम लिख रहा हूं। तो सबसे पहली कैटेगरी है जिसे बोलते हैं बच्चों होलोजोइक, होलोजोइक। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें आते हैं सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक मतलब सेफ्रोफाइट जो प्लांट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। और तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं पैरासिटिक, पैरासिटिक। ये तीनों ही दूसरों पे डिपेंडेंट होने वाले प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे होलोजोइक की अगर मैं बात करूं कि क्या होते हैं होलोजोइक, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं एक शॉर्ट में इसका डेफिनेशन कि एनिमल्स, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं अभी लिख पाऊंगा, तुमसे ही पूछूंगा बल्कि, तो मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ इसके लिए। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक में क्या आता है कि ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड डिकेइंग, लिख देते हैं डेड डिकेइंग मैटर। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं तुमसे पूछूंगा। और तीसरी कैटेगरी आती है, थर्ड कैटेगरी, पैरासिटिक। तो पैरासिटिक में आते हैं वो पैरासाइट्स जो दूसरी बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब लाइव, लिव इनसाइड और आउटसाइड भी, और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे न्यूट्रिशन भी लेते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो जरा इतना उतार लो, फिर मैं तुम्हें इसे ये समझाता हूँ क्या चीज मैंने लिखी है और कितने टाइप में हमने हेटरोट्रॉफिक को, कैसे कैसे हेटरोट्रॉफिक ट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बांटा है। ठीक है, सो अभी देखो, सबसे पहला जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था कि ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट पे मतलब कि पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं। जरूरी नहीं कि वो सीधा सीधा पौधे को खाए, हो सकता है
जैसे एक एग्जांपल तुम देखो बच्चे, शेर को देखो, जो शेर होता है, लायन होता है, वो क्या करता है, डियर को खाता है। तो डियर मतलब, डियर तो एनिमल है, वो तो प्लांट नहीं है, बट अगर देखा जाए तो शेर भी प्लांट ही तो खा रहा है, क्योंकि डियर को एनर्जी कहाँ से मिली, डियर को एनर्जी मिली घास फूस खा के, पेड़ पौधे खा के, और पेड़ पौधे खा के एनर्जी मिली डियर को, और डियर को खा के एनर्जी मिली शेर को। इसका मतलब इनडायरेक्टली जो शेर है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, यानी शेर भी एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पार्ट है, वो जरूर इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आएगा, होलोजोइक या सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक, सो हम देखेंगे आगे। नाउ दूसरी बात ये, ह्यूमन बींग्स की बात कर लो, हम लोग क्या करते हैं, सब्जियां बनाते हैं। अब सब्जियां तो आप डायरेक्टली पौधों से ही मांग लेते हैं, तो मतलब आप भी किसके पार्ट हुए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पार्ट हुए। तो हेटरोट्रॉफिक में सबसे पहला पार्ट आ रहा है होलोजोइक। तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, कि होलोजोइक वो एनिमल होते हैं जो सॉलिड फूड खाते हैं और उसको बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब पचाते हैं। जरा बताओ क्या इसमें ह्यूमन बींग्स नहीं आते? यस, ह्यूमन बींग आते हैं कि नहीं आते हैं बच्चों इसमें? डेफिनेटली आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर पचाते हैं, तो हम लोग ह्यूमंस इसमें आ जाते हैं। एनिमल्स सारे आ जाते हैं, जितने एनिमल्स है सब ऐसे ही करते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं, तो एक्सेट्रा हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर। आगे की बात यह है दूसरी, कि सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं किसे, डेड डिकेइंग मैटर को, मतलब मरे हुए जीव होते हैं उनको खाते हैं, मरी हुई चीजों को खाते हैं। ओके, जब मैं डेड डिकेइंग मैटर कहता हूं तो जरूरी नहीं कि मैटर मतलब सिर्फ एनिमल है, मैटर का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है बच्चे। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम समझ लो कि एक पेड़ मर गया, एक पेड़ सूख गया, थोड़े दिन के बाद वो पेड़ वहां नहीं रहता, क्यों, क्योंकि डिके हो जा शुरू हो जाता है, तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खाने लग जाते हैं, तो वो सैप्रोफिटिक हो गया, डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली। तो इसके अंदर एग्जांपल तुम फंगी का लिख सकते हो, इसके अंदर तुम माइक्रोब्स लिख सकते हो, छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाते हैं डिकेइंग एलिमेंट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा, तो ये सब आ जाते हैं इसमें, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं या मरे हुए प्लांट्स को, सूखी पत्तियों को, फल और फूल की सब्जियों के पत्तों को, उस सबको खाते हैं। नो तीसरी कैटेगरी, दैट इज पैरासिटिक। तो पैरासाइट्स ऐसे जानवर होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरी बॉडी के अंदर या फिर बाहर रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ रहते तो है ही, लेकिन एज ए दोस्त नहीं, उससे बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारा न्यूट्रिशन भी लेंगे, मतलब कि तुम हमें रखो और तुम हमें खिलाओ, इस टाइप की होती है। आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ पैरासाइट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, वर्म्स, तो वो वर्म्स क्या तरीके, एक तरीके के अच्छे वर्म्स होते हैं, वर्म भी दो तरीके के होते हैं, एक बुरे वर्म, एक अच्छे वर्म। अच्छे वर्म क्या होते हैं, जैसे अर्थवर्म को देख लो तुम, अर्थवर्म मिट्टी के अंदर रहते हैं, किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो अर्थवर्म को ना फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, कि वो किसानों का दोस्त है। तो ऐसे ही ऐसे बहुत सारे वर्म्स होते हैं जो अच्छे भी हैं, बहुत सारे वर्म होते हैं जो बुरे भी हैं, तो वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे को बोलते हैं पैरासिटिक। तो याद रहे ये दूसरी बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, कैस्केटा। कैस्केटा बच्चे एक प्लांट है, ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है और उसको फिर धीरे धीरे खाना शुरू करता है, उस प्लांट से न्यूट्रिशन छीनना शुरू करता है कैस्केटा। एक एग्जाम्पल है टिक्स। डॉग्स के अंदर टिक्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, वो क्या करते हैं टिक्स, जैसे ह्यूमन बींग में लाइस होता है ना, जिसको जू बोलते हैं, तो वो हमारे क्या करते हैं, सर में रहता है और धीरे धीरे ब्लड खा के जिंदा रहता है, ब्लड पीता है वो। वैसे ही टिक्स होता है जो डॉग्स में या ऐसे जानवरों में रहता है, टिक्स वो उनका ब्लड लेता है, शक करता है, तो एक तरीके से तो बुरा हुआ, बट वो अपने न्यूट्रिशन के लिए उस दूसरे जीव पे डिपेंडेंट है, समझे ना बात, तो उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है, इसमें ये आ जाते हैं। और कोई एग्जांपल है आपके नजर में तो बताओ, कैस्केटा टिक्स के अलावा पैरासाइट्स में, जो दूसरों के अंदर रह के रहते हो और जिंदा रहते हो। मैं एक्सेक्ट्रा लिख देता हूँ। अच्छा, मैं कैस्केटा तुम्हें दिखाता हूँ, कैस्केटा प्लांट देखने में कैसा लगता है, किस तरीके के कैस्केटा दूसरे जीव दूसरे प्लांट के ऊपर जाके चढ़ता है और फिर उसको खाता है। देखो कैस्केटा, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है? देखो ये एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर ये येलो येलो देख रहे हो, सारा का सारा ढका हुआ येलो कलर से,
असल में ये येलो कलर वाला जो है ना, यही है कैस्कटा। ये ग्रीन प्लांट के ऊपर कैस्कटा चढ़ गया और धीरे धीरे फिर उसके न्यूट्रिशन को खुद खाने लग जाएगा, है ना। सनलाइट के प्रेजेंस में तो अब ये खुद आ रहे हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन खाना बनाएगा प्लांट, वो खाना ये खाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके को बोलते हैं कैस्केटा, ये कैस्केटा के प्लांट्स है। इस सभी देख रहे हो येलो कलर का है सारा, ये येलोइश येलोइश दूसरे ग्रीन प्लांट के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और उसको फिर बर्बाद कर देते हैं पूरी तरीके से। इसलिए इनको हटाना जरूरी है। किसान क्या करते हैं, किसान जब खेत में अपना काम करते हैं ना, तो इस तरीके के जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको भी हटाते रहते हैं। देख रहे हो कितनी बुरे तरीके से पेड़ को कब्जा कर लिया है। तो ये कैस्केटा अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर। सो ये लोग सेप्रोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, सेप्रोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। सो ये था, इतना था जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हेटरोट्रॉफिक में हमारे साथ, क्योंकि हम लोग जो है एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बींग्स जो है वो खुद एनिमल है। अब साइंस देख लो ह्यूमन को एनिमल बोलता है, क्योंकि हम लोग एनिमल से ही तो बने हैं। क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। तो ह्यूमंस जो है एनिमल कैटेगरी के अंदर, साइंस के अंदर आते हैं। हमने साइंस में ना बहुत सारी कैटेगरी बना रखी है, जिसे फ्लोरा एंड फौना कर रखा है। ये नाम तुमने सुना होगा पहले भी, फ्लोरा एंड फौना, जीव और पौधे इनको बोला जाता है। तो ऐसे ही ह्यूमंस के बारे में अब खास हमें जानना है। तो हमारी अगली हेडिंग होगी न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये बताओ पिछला पेज नोट कर लिया सभी ने? हेडिंग डालो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन को देखेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लिख रहे हैं, बना लिख लिया। ओके, सो इस तरीके से मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। इस फ्लो चार्ट की मदद से मैं तुम्हें एक ही बार में सारे नाम लिख के दिखाऊंगा कि क्या क्या जो है कैटेगरी में हमने इनको बांट रखा है। तो जैसे सबसे पहली कैटेगरी का नाम, सबसे पहली कैटेगरी न्यूट्रिशन इन एनिमल, सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रिशन में, तो इंजेक्शन होता है। मतलब आप बॉडी के अंदर खाने को इंजेक्ट लेते हैं, आप मुंह से खाते हैं, है ना, तो बॉडी में गया तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है, जल्दी जल्दी लिखना बिकॉज टाइम जो है वो 40 मिनट का होता है इसके ऊपर। सो इंजेक्शन हो रहा है, साथ साथ लिखते चलो। दूसरा प्रोसेस डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट होगा, फिर डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, खाने को एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, उसमें से एनर्जी को निकाल लेगी। और फिर एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेट करती है बॉडी उसको। मैं अभी सब समझाऊंगा क्या चीजें हैं ये सारी। एसिमिलेशन के बाद लास्ट पार्ट होता है कि बॉडी अनवांटेड जो वेस्ट है उसको बाहर इजेक्ट कर देता है, दैट इज इजेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स, ये डिफरेंट न्यूट्रिशन मोड होते हैं। एनिमल्स के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं, ये पांच प्रोसेसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये पांचों आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से।